सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदेश ऐप के बारे में, जिसे कि देसी व्हाट्सअप भी कहा जा रहा है। क्या हैं इसके फीचर्स और इस एप्लीकेशन को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मैं लाते रहता हूं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले ही व्हाट्सअप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करके सभी यूजर्स के मन में एक डाउट डाल दिया था, और सभी यूजर्स के मन में एक डाउट आने लगा था कि अब उनकी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज़ का क्या होगा। तो आप सभी को बता दूं, इसके कुछ दिनों बाद ही भारत सरकार की तरफ से इस संदेश ऐप को लॉन्च किया गया है, और इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र चालू कर लेना है, और क्रोम ब्राउज़र चालू करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक न्यू टैब ले लेना है। न्यू टैब लेने के बाद आपको यहाँ पर सर्च ऑप्शन में डालना है संदेश ऐप। आप संदेश ऐप जैसे ही डालेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाती है gims.gov.in, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल सिलेक्ट करना है, आप कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है या iOS फ़ोन है। तो iOS फ़ोन जिसके पास रहेगा उसको नीचे वाले पे क्लिक करना है, जिसके पास एंड्रॉयड रहेगा उसको ऊपर वाले पे क्लिक करना है। तो इस एप्लीकेशन को मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया हूँ, और आप सभी के सामने इस एप्लीकेशन के अंदर मैं साइनअप कर लूँगा। तो अभी चलिए फटाफट इसके एप्लीकेशन के अंदर साइनअप कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आता है, और जैसे ही आप इसके अंदर लॉग इन करते हैं कुछ ऐसा पॉपअप खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अभी ओके करके एग्जिट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको कुछ अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसे आप अलाउ भी कर सकते हैं। ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वापस सब ले लेता है। तो इसके बाद अलाउ करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साइनअप करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। पहले आप मोबाइल से साइनअप कर सकते हैं, या तो आप ईमेल आईडी से साइनअप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सअप में आपको सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से ही साइनअप होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों टाइप का फॉर्म साइनअप के और यहाँ पर आपको दोनों टाइप से साइनअप करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मोबाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और मोबाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पर आपको सबसे टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है गेट OTP का, इसके ऊपर आपको इसके बाद क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाता है, OTP आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और जैसे ही आप OTP टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम टाइप करना है, तो अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अपना नाम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी प्रोफाइल पे फ़ोटो रखने के लिए भी आ चुका है। तो इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको लोकेशन का ऑप्शन आता है, तो आप अगर चाहें तो अपनी लोकेशन यहां से शेयर कर सकते हैं। अलाउ लोकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभी ये एप्लीकेशन कौन कौन यूज़ कर रहा है उसके बारे में आपको जानना रहेगा, तो सिंक्रनाइज कर सकते हैं या तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से देखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह के इंटरफेस पे आपको यहाँ पर सबसे नीचे जो ऑप्शंस मिलता है, पहले नंबर पर आपको चैट का ऑप्शन आ जाता है, और दूसरे नंबर पर ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है। ग्रुप आप यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पूरे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे जो जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं इसके सेटिंग्स में अपने को कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर तो एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर बैकअप का ऑप्शन है। जो आप बैकअप करना चाहें वो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि व्हाट्सअप में आप एक बार में 16 MB तक की फ़ोटो और 100 MB तक की वीडियोज़ आप एक बार में शेयर कर सकते हैं, जबकि संदेश ऐप में आप 500 MB तक की फाइल जिसमें कि फ़ोटो या आपके कोई अदर डॉक्यूमेंट भी आप एक साथ में सेंड कर सकते हैं। तो ये इसका अलग से आपको बेनिफिट मिल जाता है। और जैसे कि आप सभी
सभी को पता है कि व्हाट्सएप में आप जिस तरह से वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, सेम इसी तरह से आप इसमें भी वीडियो कॉल और वॉइस कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता। अगर आप सभी को संदेश एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करनी रहेगी तो एक वेबसाइट का लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर से आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार वीडियोज़ के साथ।